नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो किसान भाइयों, आज हम आ चुके हैं आजमानी ट्रैक्टर्स लखीमपुर, जो कि निघासन रोड महेवागंज में भाइयों शोरूम है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जो ट्रैक्टर आप लोगों को दिखाने वाले हैं, वो स्पेशली मध्यम वर्गीय किसान भाइयों के लिए है और छोटे किसान भाइयों के लिए है। जो किसान भाई हमारे ट्रैक्टर को खेती के साथ साथ में और ट्राली वगैरह के काम पे यूज करना चाहते हैं, जिनके पास हल्का काम है और रोटावेटर वगैरह भी चलाना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं ये स्वराज का 834 XM ट्रैक्टर। तो भाइयों, सबसे पहले आप लोग ट्रैक्टर का लुक देख लीजिए, क्योंकि सबसे डिफरेंस इस ट्रैक्टर का लुक है। ये देख सकते हैं बॉडी ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्वराज 834 XM में, और फ्रंट से भी काफ़ी शानदार लुक है। आप लोग देख सकते हैं हैलोजन हेडलैम्प और स्वराज की यहाँ पे ब्रांडिंग, और इस साइड से कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक देखने में आता है। तो भाइयों, अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। तो भाइयों, 3 सिलेंडर का इस ट्रैक्टर में आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप इस ट्रैक्टर का बोनट खोल सकते हैं और अब इंजन दिखलाते हैं। तो 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर में आप लोगों को इंजन मिल जाता है, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड डीजल DI इंजन है और 2592 CC के साथ में है और 35 हॉर्स पावर के साथ में भाइयों ये इंजन है। और ये आप लोग देख सकते हैं कूलेंट रिजर्वायर है और ये रेडिएटर सामने दिया गया है, और ऑयल बाथ एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है, जो कि साइड में दिया गया है, और 50 लीटर का फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। तो अब दिखा देते हैं आप इस ट्रैक्टर की फ्यूल पंप। ये देख सकते हैं माइक्रोबस की फ्यूल पंप, डबल डीजल फिल्टर और ये वाटर सेपरेटर देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके बाद में SFC वगैरह दिखा देते हैं। तो इस ट्रैक्टर की जो SFC है 265 है और 20.6 kW मैक्सिमम PTU पावर इस ट्रैक्टर की है। और क्लच की अगर बात करें तो सिंगल और डुअल क्लच दोनों में आता है। ये ट्रैक्टर जो है सिंगल क्लच के साथ में है, और ये देख सकते हैं भाइयों ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 8+2 गियरबॉक्स के साथ में ट्रैक्टर है। ये मेन गियर लीवर है, ये हाई लो। ये डैशबोर्ड ट्रैक्टर का है, स्टीयरिंग के बीच में हॉर्न स्विच दिया गया है, ये रेस वगैरह है और ये की स्विच वगैरह है। ठीक है, और ये फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और बात करें अगर ब्रेक की तो ऑयल मस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे भाइयों। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1700 kg की आप लोगों के ट्रैक्टर में लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, और ये मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। और इस साइड में देखें तो ये PTO का लीवर दिया गया है और ये टूल बॉक्स वगैरह दिया गया है। फ्रंट का एक्सल अगर देखें तो नॉन स्टेबल सीधा बिल्कुल फ्रंट एक्सल दिया गया है, और पावर स्टेयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर है भाइयों। ये देख सकते हैं ये पावर स्टेयरिंग है, पंप है, और इधर साइड में लिफ्ट की पंप है। और भाइयों, जो इसकी पावर स्टेयरिंग है वो न्यू टाइप वाली है, जिसमें कोई भी यहाँ पे आपको ड्राट वगैरह देखने को नहीं मिलती है। मैकेनिकल को ही बिल्कुल स्पेशली पावर स्टेयरिंग जैसा ही बनाया गया है, बाकी पावर स्टेयरिंग ये ट्रैक्टर है और सादी स्टेयरिंग में भी आता है। ठीक है, और पीछे से भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो पीछे से देख सकते हैं ये ट्राली का होकर स्टेबल है, डुअल DCV दिया गया है, काफ़ी शानदार फीचर है भाइयों, जो आपको केवल 834 XM में मिलता है, बाकी 735 FE में ये फ़ीचर नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर कंपनी ने ट्रैक्टर में दिया है डुअल DCV वाला। और ये लिफ्ट पट्टी में स्टेबार वगैरह हैं और स्ट्रेट एक्सल पीछे से है, और ये सीट पे रिफ्लेक्टर वगैरह है, बॉटल होल्डर दिया गया है। और टायर साइज़ की अगर बात करें तो पीछे का टायर 13/6/28 के और आगे के टायर 6/16 के हैं। तो भाइयों, लास्ट में अगर बात करें प्राइस की तो अराउंड 5.5 लाख रुपए के अराउंड ट्रैक्टर की प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ट्रैक्टर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आजमानी ट्रैक्टर्स लखीमपुर महेवागंज में है भाइयों, निघासन रोड पर, वहाँ पर आके आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं ट्रैक्टर के बारे में। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही अगर आप किसी अन्य ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।